हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखेंगे। वैसे इन्वर्टर तो सभी के यहाँ होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इन्वर्टर का कनेक्शन किसी दूसरे रूम में करना होता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्वर्टर का कनेक्शन किसी भी रूम में कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जूते पहन लें, फिर यूपीएस का मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। यूपीएस के पीछे एक प्लग लगा होता है जिसमें एक सिंगल वायर निकला होता है, ये फेज वायर होता है। लाइट का कनेक्शन करने में इसी का यूज़ करते हैं हम लोग। अब मैं इस सिंगल वायर वाले प्लग को निकाल ले रहा हूँ। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिसिटी के काम करते समय आप चप्पल या जूते ज़रूर पहने रहें। अब मैं इस प्लग को साइड कर दे रहा हूँ। अब हमें इसके बाद ज़रूरत होगी उस स्विच की जिससे पूरे इन्वर्टर को पावर दी गई हो। तो मैं यहाँ पर मेन स्विच को ऑफ कर दे रहा हूँ। इन्वर्टर के पास हमें बस इतना ही काम करना था। अब हम चलते हैं एनसीबी की तरफ जहाँ पर पूरे घर की मेन पावर सप्लाई आ रही है। अब मैं यहाँ पर सारी एनसीबी को ऑफ कर दूँगा। अब हम लोग रूम में जाएंगे जहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन पहले से किया गया हो। यहाँ पर जो वाइट कलर का सिंगल वायर है ये इन्वर्टर का है। इस बोर्ड को मैं खोल दे रहा हूँ। दोस्तों, इन सभी वायर में जो वाइट रंग का वायर है वो हमारा इन्वर्टर का है। वाइट वायर येलो वायर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। रुकिए, मैं इसे रोटेट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वाइट वायर जो कि येलो वायर से कनेक्ट है, ये दोनों केवल दो स्विच से कनेक्ट हैं। इसका मतलब कि इस रूम में केवल दो चीज़ें इन्वर्टर से चलेंगी। इसके अलावा बचे हुए स्विच के निचले वाले स्क्रू को केवल एक ही वायर से कनेक्ट किया गया है। सिंगल वायर से जितने भी स्विच कनेक्ट हैं इनका कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं है। इन चारों स्विच को बाहर की पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। यहाँ केवल दो स्विच इन्वर्टर से कनेक्ट हैं। दोस्तों, अगर हमें पूरा रूम का कनेक्शन इन्वर्टर से करना होगा तो जो ये चारों स्विच रेड वायर से कनेक्ट हैं इस रेड वायर को निकाल कर टेप से बांध देंगे ताकि ये कहीं टच ना करे। इसके बाद जो ये येलो वायर है, ये येलो वायर वाइट वायर से मतलब इन्वर्टर से कनेक्ट है। इस येलो वायर को चारों स्विच से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा पूरा रूम इन्वर्टर से चलने लगेगा। और दोस्तों, ध्यान रहे कि इन्वर्टर के वायर को और जो बाहर से पावर सप्लाई आ रही है फेज वायर बोलते हैं उसे, उन दोनों को टच नहीं करना है। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर तीसरे स्विच को भी इन्वर्टर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस स्विच के स्क्रू से फेज वायर निकाल कर इन्वर्टर का पीला वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।